हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट, डेवलपमेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स बुक। और अब तक हमने पढ़े डेवलपमेंट्स के बारे में कि डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है, इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट एस्पेक्ट क्या क्या है, यानी कि डेवलपमेंट के किस चीज़ किन किन एस्पेक्ट को हम डेवलपमेंट में लेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा लास्ट चैप्टर में। उससे पहले हमने नेशनल इनकम वो पर कैपिटा इनकम को लिया, उसके बाद फिर हमने लिया HDI को, यानी कि जिसमें हमने हेल्थ और एजुकेशन को लिया। अब डेवलपमेंट के लिए एक और एस्पेक्ट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सतत विकास। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए पर्टिकुलर कंट्री इज क्विट डेवलप्ड। आप सोच के देखो वर्तमान में कि कोई भी देश है वो पूरी तरह से विकसित है। वी वुड सर्टेनली लाइक द लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू गो अप फर्दर और एट लीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो हम क्या चाहेंगे, हम निश्चित ही यही चाहेंगे कि जो लेवल है डेवलपमेंट का, टू गो अप फर्दर, जो आगे जा चुका है, और एट लीस्ट बी मेंटेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन, तो हम उस लेवल को इतना रखेंगे कि कम से कम वो आने वाले पीढ़ियों तक तो एज इट इज़ मेंटेन रहे, यानी कि डेवलप्ड रहे। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल और होना भी यही चाहिए। हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century, लेकिन फिर भी 20th century के सेकेंड हाफ में अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट, लेकिन बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो वार्निंग देते जा रहे हैं दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। जो अभी वर्तमान का जो टाइप है डेवलपमेंट का वो सस्टेनेबल नहीं है, यानी कि वो इन फ्यूचर कायम नहीं रह सकता। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे बताया गया है, इस कोटेशन में ही आपको क्लियर हो जाएगा। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड, यानी कि हमें यह संसार अपने पूर्वजों से वसीयत के तौर पे नहीं मिला। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, यह हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको उनसे उधार लिया है, यानी कि इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमें मिला है, हमें यह लेना सोचना चाहिए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के से हमने उधार में लिया है। लेट्स अंडरस्टैंड वाई दिस इज़ सो थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। चलो अब हम इसको समझते हैं कि इन एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि इस कोटेशन का मीनिंग क्या है। एग्जाम्पल वन, ग्राउंड वाटर इन इंडिया, भारत में जो भूजल है, रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अभी हालिया जो एविडेंस वो यह दिखाते हैं कि भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में जो पानी के ओवर यूज की, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, वो क्या बन रही है, आज के टाइम में एक सीरियस थ्रेट बन गई है। अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट हैव रिपोर्टेड वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर्स, यानी कि 300 डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट ऐसी आई है कि जिनका वाटर लेवल है ना 4 मीटर तक क्या हो गया, पिछले 20 सालों में डिक्लाइन हो गया, यानी कि पिछले 20 सालों में 300 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हमारे इंडिया में जिनका वाटर लेवल 4 मीटर से भी कम हो गया है। नियरली 1/3 ऑफ कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, और लगभग 1/3 कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, ग्राउंड वाटर का क्या कर रही है, ग्राउंड वाटर जो रिजर्व है उसका ओवर यूज कर रही है। इन अनदर 25 ईयर्स 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम, और अगले 25 सालों में 60% जो देश के अंदर जो पॉपुलेशन है वो यही कर रही होगी। इफ़ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग द रिसोर्स कंटिन्यू, अगर जैसे अभी प्रेजेंट में हो रहा है अगर यही होता रहा तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरल प्रोस्पर रीजन ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरिया एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स।
तो क्या रहे, ग्राउंड वाटर का ओवर यूज हो रहा है मोस्टली एग्रीकल्चरल के लिए, यानी कि कृषि के लिए, जो प्रॉस्परस रीजन है जैसे पंजाब वेस्टर्न यूपी है और वही हार्ड रॉक प्लेटी है, वहाँ पे भी क्या हो रहा है पानी का और अर्बनाइजेशन की सेटलमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वाटर की क्या हो रही है रैपिडली ग्रो, वो कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, ग्राउंड वाटर का उपयोग ओवर यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है हमारे लिए, वाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज, और इसके लिए तो आप भी अच्छे से अभिज्ञ होंगे कि पानी का ओवर यूज क्यों किया जा रहा है। कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज, क्या इनके पानी के ओवर यूज के बगैर भी डेवलपमेंट संभव है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, और हमें पता है जो ग्राउंड वाटर है वो क्या है, एक उदाहरण है रिन्यूएबल रिसोर्स का, इसको रिन्यू किया जा सकता है। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स, और यह रिप्लेनिश हो जाते हैं यानी कि दोबारा से पुनर्भरण हो जाते हैं, यानी दोबारा से पानी पृथ्वी के अंदर आ जाता है इन केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स, इनके अंदर आता है। However, even these resources may be overused. लेकिन ये भी जो resource है इनका भी over उपयोग किया जा रहा है। For example, in the case of groundwater, groundwater के उदाहरण में देखें, if we use more than what is being replenished by the rain, then we would be overusing this resource. उदाहरण के तौर पे यही है कि अब कुछ लोग यही समझ रहे होंगे कि भाई हम तो overuse करते ही नहीं, overuse कैसे हो रहा है। ओवर यूज का मतलब ये है कि जितना पानी बरसात ने हमें दिया है रिप्लेनिश करने के लिए, यानी कि उसको रिन्यू करने के लिए, यानी कि दोबारा से अर्थ के अंदर बारिश होती है उससे रिप्लेनिश होता है, और अर्थ की जो क्या होती है, जो पानी जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन जितना जितनी बारिश हो रही है उससे ज़्यादा हमने पानी निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या है कि ओवर यूज हो रहा है वाटर का। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच विल गेट एग्जस्टेड आफ्टर ईयर ऑफ यूज, वही दूसरे और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं अगर वो एग्जस्टेड हो जाए, यानी कि कुछ सालों के बाद उनका यूज ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वी हैव फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश, और नॉन रिन्यूएबल का हमारे पास क्या है, फिक्स्ड ही स्टॉक है, यानी कि स्टॉक बहुत ही कम है और वो उनको रिप्लेनिश भी नहीं किया जा सकता। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज, हमने नए रिसोर्सेज को क्या किया, डिस्कवर किया, एंड दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर, जिनको हम पहले नहीं जानते थे। न्यू रिसोर्स इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक, और जो ये नए सोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं स्टॉक में क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जस्टेड, और टाइम के दौरान ये भी क्या हो जाएंगे एग्जॉस्टेड, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे देखो, क्रूड ऑयल है जो कि नॉन रिन्यूएबल है, वी गेट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको हम अर्थ रॉक से निकालते हैं वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। हाउ एवर वी मे फाइंड अ सोर्स ऑफ ऑयल दैट वी डिड नॉट, हालांकि हम भी जो ऑयल के सोर्स हैं जिनको हम पाते हैं, दैट वी डिड नॉट नो ऑफर, जिनको हम नहीं जानते, एक्सप्लोरेशन आज बींग अंडर टेकन ऑल द टाइम, और अब भी उन सोर्सेज के लिए क्या हो रहा है, एक्सप्लोरेशन होती जा रही है ओवर द टाइम, यानी कि उनका हम उनके बारे में खोज करते जा रहे हैं। सेकंड है एग्जांपल हमारा एग्जॉस्टर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं हम, एग्जॉशन, यानी कि हम ख़त्म होते जा रहे हैं। इसमें क्या है, द टेबल गिव्स अस गिव एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल, जो इस टेबल हमने क्रूड ऑयल का रिजर्व बताया। मोर इम्पोर्टेंट, इट आल्सो टेल्स अस फॉर हाउ मैनी ईयर द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट इफ पीपल कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट इट एट द प्रेजेंट रेट। इसमें यह बताया गया, जिस वर्तमान दर से हम ऑयल को, क्रूड ऑयल को, यानी कि जिस क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल जिससे डीजल पेट्रोल बनाया जाता है, उसको यूज़ करते रहेंगे
तो कितने सालों तक कर सकते हैं? द रिजर्व वुड लास्ट ओनली 50 years मोर, और यह रिजर्व केवल 50 साल और चलेगा जो क्रूड ऑयल का है वर्ल्ड में। दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड एज ए होल, और यह पूरे संसार के लिए, यानी कि पूरा संसार उसको अगर यूज करता है तो अगले आने वाले 50 सालों तक ही बचा हुआ रिजर्व सिर्फ क्रूड ऑयल का। दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड एज ए होल, हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट सिचुएशन, वहीं दूसरे अलग अलग देश अलग अलग सिचुएशन को क्या करेंगे, फेस करेंगे। कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम एब्रोड, और भारत जैसा देश है वो डिपेंड कर रहा है ऑयल को विदेशों पे, बिकॉज दे डू नॉट हैव इन स्टॉक ऑफ देयर ओन, क्योंकि उनके पास ऑयल का स्टॉक नहीं है। इफ़ प्राइसिस ऑफ ऑयल इंक्रीज द इनकम अ बर्डन फॉर एवरीवन, अगर प्राइसिस इस ऐसे ही इंक्रीज होते रहे जो बर्डन है, बर्डन ऑफ द एवरीवन, वो क्या हो जाएगा, सबके ऊपर पड़ेगा, है ना। अगर ऑयल के प्राइस हो जाएंगे तो सीधी से सबके ऊपर बोझ पड़ता है ना। देर आर कंट्रीज लाइक USA विच हैव लो रिजर्व, वहीं दूसरे और कंट्री जिनके पास रिजर्व काफ़ी कम है, हैंस वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर, जो कि ऑयल को रिजर्व रख रहा है किसके लिए, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के लिए। VP स्टैटिकल रिव्यू ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी, ये वर्ल्ड मिडल ईस्ट में बता, ये रिजर्व बताएगा जैसे मिडल ईस्ट में कितना, 808, जो कि 70 सालों तक रह सकता अगर ये यूज करें। यूनाइटेड स्टेट जिनके पचास 50,000 million बैर, जो कि 50,000 million बैरल्स है, जो कि 10.5 यानी कि 10.5 सालों तक रहेगा। वर्ल्ड में कितना है, 1697, जो कि 50 ईयर्स तक ही रहेगा। ऑलमोस्ट ये है कि 50 ईयर्स तक ही ऑयल का रिजर्व हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे द क्वेश्चन ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट रेजेस मैनी फंडामेंटल न्यू इश्यूज अबाउट द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, अब बहुत सारे क्वेश्चन डालता है ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सतत विकास को लेकर, ठीक है। इज क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन ए कंट्री, क्या ये कच्चा तेल देश के विकास के लिए आवश्यक है? इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, इंडिया को कच्चा तेल है उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। वट प्रॉब्लम डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबोव सिचुएशन, जो ऊपर वाली सिचुएशन, इसको देख के आप बताओ कि अंदाज़ा लगाओ कि भारत के सामने किस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, और इन्वायरमेंट के जो पतन डिग्रेडेशन के कारण हो रहे, डो नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री, यह केवल राष्ट्रीय और राज्य की बाउंड्री तक नहीं रहेगा। दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, और ये मुद्दे केवल किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष के नहीं रहेंगे। और फ्यूचर इज लिंक टुगेदर, हमारा जो भविष्य है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपेरेटिवली न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट इकोनॉमिक्स फिलोसफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सतत विकास क्या है, वो एक नया एरिया है हमारे नॉलेज को लेकर, जिसमें हमारे सभी साइंटिस्ट इसके ऊपर मिलके, साइंटिस्ट इकोनॉमिक्स फिलोसफर इसके ऊपर मिलके काम कर रहे हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल, और जनरली क्या होता है, जो क्वेश्चन है डेवलपमेंट का वो क्या है, पेरेनियल है, वो चलता रहता है। एट ऑल टाइम्स एज ए मेम्बर ऑफ सोसाइटी एंड एज ए इंडिविजुअल वी नीड टू आस्क वेयर वी वॉन्ट टू गो, जैसे हर टाइम हम यह देखते रहते हैं कि एज ए मेम्बर ऑफ सोसाइटी या फिर अपने व्यक्तिगत तौर पे हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, और हमें पूछना होगा कि व्हाट वी वांट टू गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं, व्हाट वी विश टू बिकम, और हम क्या बनना चाहते हैं, एंड व्हाट आवर गोल्स आर, और हमारे लक्ष्य क्या हैं। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यू, और इस प्रकार हमारी जो डिबेट है वो डेवलपमेंट को लेके वो कंटिन्यू रहेगी। इस प्रकार इस लेसन में हमें यहाँ पे ओपन क्वेश्चन रखा है कि जो डेवलपमेंट की जो डिबेट है वो हमारी कंटिन्यू जारी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, लेसन हो गया कंप्लीट, आज इस लेसन को रीड करो, कल इसके क्वेश्चन करने आपने।